हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसमें हम टोटल 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको आप जरूर देखें एक बार। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो हमारा किडनी होता है उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है, बोले तो क्रियात्मक इकाई क्या होती है। आइए ऑप्शन देखते हैं, नेफ्रॉन, वेन, लीवर, एग्जान। क्वेश्चन नंबर वन का जो राइट आंसर वो क्या है, नेफ्रॉन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, वेयर बिकम्स प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड का प्यूरिफिकेशन किस अंग से होता है, ठीक है, किस पार्ट से होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या, लीवर, लंग्स, हार्ट, किडनी। क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर है वो क्या है, किडनी। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री पूछ रहा है, इन ह्यूमन बॉडी सिक्रेशन ऑफ यूरिया विच पार्ट। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो यूरिया का सिक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है। ऑप्शन देखते हैं, लीवर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर है वो है लीवर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, हेमोलिसिस, पैरालिसिस, डायलिसिस, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर है वो है डायलिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, येलो कलर ऑफ यूरिन कॉज ऑफ। जो मूत्र में पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। आप सकते हैं, बाइल जूस के कारण, लिम्फ के कारण, प्लेटलेट के कारण, यूरोक्रोम के कारण। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो राइट आंसर है वो है यूरोक्रोम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, डायलिसिस प्रोसेस अकर्स विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है बॉडी के कौन से पार्ट में होती है। ठीक है, आप सकते हैं, लीवर, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है वो है आपका किडनी। क्वेश्चन नंबर सेवन पर चलते हैं, किडनी स्टॉप फंक्शन में, किडनी काम करना बंद कर देता है कब। जब बॉडी में प्रोटीन जमा हो जाता है, जब बॉडी में फैट जमा होता है, जब बॉडी में स्टार्च की मात्रा अधिक हो जाती है, या इन ब्लड वेस्ट मटेरियल, जब रुधिर में वेस्ट मटेरियल कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तब क्या हो जाता है, किडनी क्या करती है, फंक्शन करना बंद कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट आंसर है वो फोर्थ है, इन ब्लड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट, लीवर जनरेट द, ऑप्शन देते हैं, यूरिया, यूरिन, प्रोटीन, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, यूरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नाइन की तरफ, विच केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन द किडनी। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा केमिकल कंपाउंड जो है किडनी में पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि किडनी स्टोन हो सकता है, क्या होता भी है। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का देखते हैं राइट आंसर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर नाइन का जो राइट आंसर है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ चलते हैं, लीवर कन्वर्ट्स, ठीक है, लीवर क्या कन्वर्ट करता है, यूरिया टू यूरिक एसिड, यूरिन टू यूरिया, प्रोटीन टू फैट, या ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो राइट आंसर है वो क्या है, यूरिया टू यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिया को यूरिक अम्ल में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो किडनी से पास होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, अपर पार्ट ऑफ द किडनी इज नोन एज। जो किडनी का जो अपर पार्ट होता है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे हम आइए देखते हैं, ऑप्शन, मेडुला, नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो क्या है, कॉर्टेक्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ द नेफ्रॉन्स इन द किडनी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कि जो नेफ्रॉन, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो क्रियात्मक यूनिट होती है वो क्या होती है किडनी की, वो नेफ्रॉन होती है। अब नेफ्रॉन जो होता है किडनी में कितनी संख्या में मौजूद होते हैं, आप समझते हैं, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ या 20 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर वो फर्स्ट है, 1 करोड़ 30 लाख जो नेफ्रॉन होते हैं किडनी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 13 की तरफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द यूरिन। ठीक है, यूरिया का कितना परसेंट यूरिन में होता है, 3.2%, 1.4%, 2.7%, नन ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर वो 2.7% होता है, ठीक है। नाउ 14 क्वेश्चन नंबर, जनरली वाटर कंटेंट इन यूरिन, जो वाटर की मात्रा होती है यूरिन में कितना होता है, ठीक है, 95%, 98%, 90%, 80%। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर वो क्या है, 95% होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, पीएच ऑफ यूरिन, यूरिन की जो पीएच होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पीएच को फुल फॉर्म जो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो यूरिन का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 5.02, 5.4, 6.0, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है 6.0। क्वेश्चन नंबर 16, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट पूछे तो अलग होता है, स्किन, लीवर, किडनी, बोन्स। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो क्या है, स्किन। सो फ्रेंड्स, यदि अगर पार्ट की पूछे तो वो होता है लीवर, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने 16 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जल्दी हम साइंस का पार्ट 5 भी अपलोड करेंगे, ठीक है, जो बायोलॉजी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। इसके बाद में फिजिक्स, इसके बाद में केमिस्ट्री अपलोड करेंगे, ठीक है, जो सीरीज 2 के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2020 में एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है अक्टूबर मंथ्स में, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।